नाजरीन, मैं शेख शाहिद, RZS24 न्यूज में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, एक गरीब शख्स अपना आशियाना बनाने के लिए काफी मेहनत करता है। हुकूमत ने इनका आशियाना तोड़ने के लिए एक सेकंड नहीं लगाया। सोचने की ये बात है कि ये गरीब आवाम पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ कांग्रेस हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए, जो CM रेवंत रेड्डी गरीब आवाम का साथ देंगे और गरीब आवाम के हर दुख तकलीफ में अपना खून करेंगे, मगर देखने की ये बात है, अगर कांग्रेस हुकूमत ने हैड्रा बनाकर जीना हराम कर दिया है। ऐसा दिख रहा है कांग्रेस हुकूमत ने बड़े बड़े वादे कर गरीब आवाम का दिल जीतकर आज वो अपने सीट पर बैठे हैं, मगर देखने की ये बात है वही गरीब आवाम के आशियानों से उनको बेरुमिति से निकाला जा रहा है और उनके घर तोड़े जा रहे हैं। ना जाने ये हुकूमत का जुल्म कब खत्म होगा। आइए देखते हैं उनके टूटते हुए आशियानों की वीडियो और उन गरीब आवाम की तकलीफ। खुश हो, तुम्हारे दीना ज्यादा डलने वाले नहीं है, मुसलमानों की आय कहीं न जाने वाली है, तुम ज्यादा दिन जीने वाले नहीं है, तुम 6 महीने में जैसा रंग बदले ना, 2 महीने में तुम्हारा क्या हाल होने वाला है, तुम देख लो ये। TRS जिंदाबाद। अब की बार TRS को लेंगे हम। इतना भरोसा करें कांग्रेस के ऊपर, इतना भरोसा करें हम, हमारे घर दे डाले, हमारे घर दे डाले, हमारी मेहनत की कमाई दे डाले, हमको कुछ भी नहीं मिला, हम घर के बेघर हो गए, सुबह से खाना नहीं है, बच्चे गली गली फिर रहे, हमारे भाइयों के बहनों के काम यही थे, हमारे को लेकर उधर उठी उठ डाले, हम बहन जी ना बोलो, हमारा कौन है, हमारे लीडर कहाँ है, हमारे एसएस बाबा कहाँ है, हमारे बलवा साहब कहाँ है, हाँ हमारे सभी भाई कहाँ है, हमारे कौन है हमारा, कहाँ जाना, हम हमारी माँ शुगर की पेशेंट है, हमारे भाई हार्ट के है, हमारी बहन को BP है, कौन देखने वाला है, हाँ लीडर आते और डालो प्याज उठ रहे, कहाँ गए, पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, कौन हमारी मदद करने वाला है, हाँ कल को मर गए क्या, कैसा, कौन जिम्मेदार है हमारा, जलील आराम दादा आके 6 महीने में आके अपने रंगला बता डाला, हमारे को नक्को, हमारा घर, हमारा को खुश हो, तुम्हारे दीना ज्यादा डलने वाले नहीं है, मुसलमानों की आय कहीं न जाने वाली है, तुम ज्यादा दिन जीने वाले नहीं है, तुम 6 महीने में जैसा रंग बदले ना, 2 महीने में तुम्हारा क्या हाल होने वाला है, तुम देख लो ये है। 4 बेटे हैं, 4 भावां हैं, 4 के बच्चे हैं, 17-18 आदमी हैं, हम 2 जनी हैं हम लोग, अब मेरा बेटा 1 जनी छोड़ के चले गया, 1 को मिला 1 जनी छोड़ के चले गया, अब 3 बेटे किराए से रह गए लड़ झगड़ के, अब मैं कहाँ रहूँ बोलो, हम दोनों मियां बीवी कहाँ रहेंगे, बुढ़ा बुढ़ी आप बताइए। डबल बेडरूम किसको मिला, आपको मिला, बेटे को मिला, अब हमारा क्या है, हम बैठे हुए हैं, रो लेते धो लेते तो कैसा करेंगे बोलो। अभी जो आपको बेटे को मिला वो कहाँ पे मिला, डबल बेडरूम चंचलगुड़ा, आप लोगों के मतलब इंक्वायरी के लिए आए थे, डबल बेडरूम दे रहे हैं, कुछ जिक्र नहीं करे आप। हम जिक्र करे, हमारे 2-4 बेटे हैं बोले, 4 भावा 17 आदमी का नाम लिखा है, हम टोटल जो घर पे रह रहे हो कितने गज, टोटल 4 बेटे रहते हैं यहाँ पे, कितने गज पे ये घर, 105 गज पे है, 105 चार रहते, अकेला चले गया उन्हें, अब 3 बेटे अलग हो गए किराए से, मेरे को छोड़ दिए, अब मैं कैसा करूं, मैं दोनों हम मियां बीबी, हमारे मर्द तो काम नहीं करते, टेलर थे, अब उनके आंखों को नहीं दिख रहा, उन्होंने नहीं कर रहे काम, अब हम क्या करके खाएंगे आप बताओ, कैसा करेंगे हम। हाजिरा भी है मेरा नाम, शंकरनगर, ओल्ड मलकपेट शंकरनगर, पुराने लोग लड़ रहे, पहले लोगों को जो बोल रहे 50-50 रूम उन लोगों के नाम पे कर दिए थे कहते पहले, तो उसके बाद वो रूम नहीं दिए लोगों को, ये लोगों को कैसा देते बोल के लोग लड़ रहे हम लोगों से, क्या करना, कहाँ जाना हम लोग, और ऊपर से वॉशरूम सही नहीं होगा, पानी सही नहीं आ रहा, ऊपर से पानी सही नहीं आ रहा, नीचे लोग पानी आ रहा, नीचे लड़ रहे लोग, नीचे लोगों के रूम में पानी आ जा रहा बोल के लोग लड़ रहे, क्या करना, ये शंकरनगर लोकेशन है, ये डबल बेडरूम जो दिए वो कहाँ पे, वो शहजादाबाद पे हो, चंचलगुड़ा,
99 फ्लोर पे दिए, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को 99 फ्लोर पे जाना पड़ रहा और लिफ्ट बंद कर दे रहे लोग, प्लग निकाल दे रहे लिफ्टों के, पुराने जो लोग हाँ उन लोग कर रहे हो नहीं रहना बोल रहे लोग। पहले उन लोगों को रुमा दियो लोगों के हिस्से के, उसके बाद इन लोगों को दियो, क्या करते करो बोल रहे लोग। डबल बेडरूम हम लोग को ये तोड़ के दिए वो लोग, ना पानी की सहूलत है ना कुछ भी है, ना लिफ्ट बंद कर दिया ना ऊपर से, ना नल है उसको अंदर, और ना वॉश बेसिन सही नहीं है अंदर, पूरा दरवाजे का डोर नहीं है, खिड़की नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ से हमारे बेघर कर दिया वो लोग, बेफजुल के हर चीज की तकलीफ कर दी हमारे को। 3-4 दिन से तो हम लोग सामान डाल के बाहर बैठे हुए थे, कल आके गड़बड़ी करके अभी JCP आ रहा, ये पूरा आपके घर तोड़े था, जल्दी जल्दी सामान उठाओ वो ये बोल के तमाशा करके जल्द से जल्द सामान उठाने लगाए। DCM भी फ्री लगाए वो लोग, तो DCM लगा के फ्री लगा के भी फायदा नहीं हुआ, ऊपर से क्या है सामान पूरा है सो बाहर नीचे नीचे ग्राउंड फ्लोर से 7 फ्लोर तक लिख जाना हम लोग सामान, और तो पानी का नाम निशान नहीं है, हम लोग जाके बहुत परेशान हो गए, फिर आगे घरों के सामने बैठे हुए हैं हम लोग, क्या करना हम लोग समझ में नहीं आ रहा, क्या करना आप लोग ही करो। डबल बेडरूम कितने मिले आपको? डबल बेडरूम देखो ये फ्लोर की अब जितना घर के हिसाब से एक एक दिए वो लोग, अभी अब आगे वालों का तो नहीं मालूम मेरे को, हर एक घर को एक एक दिए, सहूलत तो कुछ भी नहीं है घर में, वो पानी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, बाथरूम कंपाउंड किए उसमें से पानी पूरा निकलना चालू हो गया, वहाँ के पुराने लोग जो खिड़कियाँ जो है वो खिड़कियाँ एक एक डोर को खिड़की नहीं है। बिहार नुंच गरीब वाले बिहार बिहार से आए गरीब लोग आए, जरा बोलो बिहार से हिंदी में बात करो, हिंदी में बिहार से आए हम लोग कमाने खाने वाले थे, छोटे छोटे बच्चे को लेके रोड पे आ गए, खाने के लिए नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, 2-3 दिन से रोड पे हम लोग ठहरे हैं, कहाँ जाए हम लोग, अभी हमारा को घर हमारे को चाहिए। हमारा ओल्ड मलकपेट शंकर नगर मुसी रिवर के पास रहने वाले है, हमारे पास हम लोग जॉइंट फैमिली है, तो हम लोग जॉइंट 3 भाई 1 बहन है, हम लोग हमारे बहन के नाम पे रखे है प्लॉट, कितना है 150 गज का प्लॉट है हमारा, जॉइंट फैमिली रहने वाला है, हमारी बहन हैंडीकैप है, उसके लिए हम लोग हमारे बहन के साथ में रखे, बहन के नाम पे रखे प्लॉट, तो वो क्या हो गया अभी, वो हमारे बहन का एक ही नाम पे प्लॉट है, तो बस एक ही डबल बेडरूम दे रहे, बाकी 3 भाई दो पूरे पैदल हो गए हम लोग, हमारी बहन हैंडीकैप है, उसके केयर टेकर हम लोग है, हम लोग खुद उसके साथ नहीं रह सकते, अब हमारे को दिए प्रजादी घोड़ा घटकेसर, वहां पर जाके रहना हमारी बहन, उन्होंने हैंडीकैप है, उसको कैसा रखेंगे हम लोग।